अकबर बीरबल की कहानी रेत से चीनी अलग करना एक बार बादशाह अकबर बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे सभा की कार्यवाही चल रही थी एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा उसके हाथ में एक मर्तबान था सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा क्या है इस मर्तबान में उसने कहा महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है अकबर ने फिर पूछा किस लिए अब दरबारी ने कहा गलती माफ हो महाराज लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा देख लो बीरबल अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज हो जाएगा यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले उनके पीछे वह व्यक्ति भी था अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे तभी उस व्यक्ति ने पूछा अरे यह क्या कर रहे हो इस पर बीरबल ने कहा ये आपको कल पता चलेगा इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए आप सभी को कल सुबह का इंतजार था अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चीटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चीटियाँ उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं इस पर उस व्यक्ति ने पूछा चीनी कहाँ गई तो बीरबल ने कहा रेत से चीनी अलग हो गई है सभी जोर जोर से हंसने लगे बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे कहानी से सीख किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए अकबर बीरबल की कहानी लहरे गिनना, एक बार की बात है बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए शिकायतें मामूली थी इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए इतना सोचते ही बादशाह ने फ़ैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घुड़ों की नींद उठवाने के काम में ही क्या ही बेईमानी कर पाएगा वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कमदाना पानी खिलाते हो इसका पता बादशाह को चला है इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है अब अगर लीद का वज़न कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे एक रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो इसी जगह पर दो तीन दिन तक रुकना होगा रोज़ रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे दस दस रुपये की रिश्वत देना शुरू कर दिया अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था एक दो महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया नाव को रोको मत जाने दो वो व्यक्ति चतुर था उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टवा दिया आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था कहानी से सीख दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है अकबर बीरबल की कहानी कौन है असली मां पूर्ण विराम एक बार शहनशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची उनके साथ में लगभग दो या तीन साल का सुंदर सा बच्चा भी था दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थी जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा एक काम करते हैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के दो टुकड़े कर देगा यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी लेकिन दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी और बोलने लगी मुझे बच्चा नहीं चाहिए मेरे दो टुकड़े कर दो लेकिन बच्चे को मत काटो यह बच्चा दूसरी महिला को दे यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो वही मुजरिम है इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती और यही हुआ इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है लेकिन बच्चे के नहीं बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए कहानी से सीख हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक हाँ नहीं जताना चाहिए साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि से भरा बर्तन एक बार की बात है राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी एक दिन राजा अकबर से रहा न गया उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी अचानक राजा के मन में एक उपाय आया उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा सभी गांववासी राजा के इस अजीबो गरीब आदेश को सुनकर परेशान थे सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह सोचकर सभी परेशानी में थे ऐसा कर पानी की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था गांव के सभी बड़े बुज़ुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया साथ में यह संदेश भी, भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंदवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है अकबर बीरबल की कहानी अकबर बीरबल के सवाल जवाब बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था अकबर के शासन में नवरत्न थे जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे जब वह रास्त भटक गए थे तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया उस समय बीरबल को महेश दास नाम से जाना जाता था आ ने महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने बीरबल से तीन सवाल पूछने चाहे महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी आसमान में कितने तारे हैं मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा इसका जवाब तो बहुत ही आसान है और दरबार में एक भीड़ को लाकर कहा जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा क्यों मानसिंह जी आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं धरती का केंद्र कहाँ है मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया जहाँ आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे फिर जहाँ मानसिंह खड़े थे वहां बीरबरल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा यही धरती का केंद्र है अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे फिर मानसिंह ने एक पहली को सुझाने के लिए कहा मानसिंह का तीसरा सवाल एक परख है सुंदर मूरत जो देखी वो उसी की सूरत फिक्र पहली पाए न बोझन लागा आई बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी इसका उत्तर तो पहेली में ही है इसका उत्तर आईना है जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूर्त है आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा क्यों मानसिंह जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना अकबर बीरबल की कहानी से सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए अकबर बीरबल की कहानी सारा जग बेईमान बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की ही तरह एक श्रेष्ठ दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे बातों ही बातों में बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम्हें पता है हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है इसका जवाब बीरबल ने ये कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं सारा जग ही बेईमान है बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई उन्होंने पूछा बीरबल तुम ये कैसी बात कर रहे हो बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले ठीक है जाओ तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ बादशाह अकबर से इजाज़त मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे उनके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं इसलिए कुछ अलग करना होगा यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं उसके लिए वो चाहते हैं कि पो प्री जनता अपना योगदान दे बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा इतना ही प्रजा की तरफ से काफ़ी है इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ओ समय लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं सिर्फ सफ़ेद पानी ही दिखा रसो ने भी कहा कि महाराज ये दूध नहीं है ये सारा पानी ही है इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफ़ेद है वरना ये पानी से ज्यादा कुछ नहीं इन सारी चीजों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली उन्हें बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते थे मुझे हकीकत समझ आ गई है इतना कहते हुए बादशाह बीरबल और रसोई महल आ गए कहानी से सीख किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से चूकते नहीं है अकबर बीरबल की कहानी चोर की दाढ़ी में तिनका बच्चों अकबर और बीरबल की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं यह कहानियों सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना का भी काम करती हैं। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका एक बार की बात है बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं महाराज आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था बादशाह अकबर कहते हैं मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी फिर बीरबल अकबर से कहते हैं तब तो अंगूठी गुम नहीं चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा यह हाँ सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ पाँच कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा चोर मुझसे बच नहीं सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नज़र बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह काबुल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है अकबर बीरबल की कहानी उम्र बढ़ाने वाला पेड़ एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया बादशाह ने पत्र में लिखा था मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूध को कैद करने का आदेश दिया सिपाही और दूध के कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूध से कहा जब तक इसके लिए की एक दो गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा उद्धरण इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाए और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ तुम सिर्फ सौ लोग हो और तुम्हारी आँख सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता यही होता है आयुवर्धक वृक्ष उसके कुछ दिन बाद, बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताए अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की कहानी से सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए साथ ही वही देश तरक्की करता है जहाँ प्रजा सुखी रहती है बंदर और लकड़ी का खूंटा एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे एक दिन मज़दूर लकड़ी चीर रहे थे सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे उस दौरान एक घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीर थी इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीज़ों को उल्टा पुलटा करने लगा बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ़ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है शरारत करते करते उसकी नज़र उस अधरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहां पर क्यों लगाया है उसे निकालने पर क्या होगा फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगता है जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है वो खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गई बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है वह चीखते हुए टूटी पूछ लेकर भागता हुआ अपने झुन के पास पहुंच जाता है वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगते हैं। कहानी कहानी से से सीख इस तो चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और न ही उनके काम में दखल करनी चाहिए ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है अकबर बीरबल की कहानी बीरबल की खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी सर्दियों का मौसम था बादशाह अकबर अपने बागीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे हुए बा दशा अकबर ने अपने मंत्री से कहा इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा जियो जूठ बिल्कुल सही फरमाया आपने इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा सही कह रहे हैं आप इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा इस बारे में आपका क्या ख्याल है बीरबल बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा माफी चाहता हूँ हजूर इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा अच्छा तो हमें भी बताए क्या ख्याल है आपका बीरबल ने कहा हुजूर मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा तो आप यह कह रहे हैं कि इस पड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके बीरबल ने कहा जी हजूर मैं यही कह रहा हूँ बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा तो ठीक है अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को बीस सोने के सिक्के इनाम में देंगे बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह बीस सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है दो सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा बीरबल कहाँ है आपका मित्र कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फ़ीले पानी में बीरबल ने कहा महाराज वो यही है मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ बादशाह की इजाज़त मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ़ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो यह तुमने कैसे किया पूरी सभा को बताओ गंगाधर ने कहा महाराज शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नज़र आया उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा यह तो धोखा है तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली फरेबी तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं लेकिन तुम अब इस नाम के हकदार भी नहीं हो यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए अगले दिन रोज की तरह सभा लगी जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे सिवाय बीरबल के बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए क्योंकि तो आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और सके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं बादशाह अकबर ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो यह खिचड़ी कैसे पक सकती है तुमने हांडी को इतने ऊपर टाँग रखा है और आग नीचे जल रही है ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा कि नहीं पहुंचेगी हुजूर ज बमहल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल ई सके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे बीस सोने के सिक्कों का इनाम दिया बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया कहानी से सीख बच्चों बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए